यूपीएससी की तैयारी कितना मुश्किल है या तो आपको मालूम ही है, हर साल लाखों लोग इस परीक्षा में बैठते हैं और 99.99% लोग इसे घर लौटना पड़ता है। अब जब कंपटीशन इतना टफ हो गया है तो गलती तो की गुंजाइश ना के बराबर होती है, और जो भी इस मूल मंत्र को समझ जाता है उसके सफल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। अब यूपीएससी निकालने के लिए क्या करना चाहिए यह बताने वाले ढेरों लोग आपको मिल जाएंगे, मगर इस वीडियो को हम आपको बताएंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो देर किस बात की, आइए फिर शुरू करते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। यूपीएससी की तैयारी एक रूपी नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है यह है कि हम सब इसे किसी आम परीक्षा की तरह ट्रीट करते हैं। पढ़ाई करो, टेस्ट प्रैक्टिस करो और परीक्षा में बैठ के बैठ जाओ। किसी और परीक्षा के लिए यह फॉर्मूला काम कर जाएगा, लेकिन यूपीएससी परीक्षा के लिए इस मंत्र से आप परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे। यूपीएससी की तैयारी दो स्तर की होती है। पहला, यह कुछ अपने अंदर फिर करना या मतलब अपने अंदर आपको समझना पड़ेगा, पढ़ाई करना होगा। दूसरा, जो फिट गया उसे प्रेजेंट करना, और यह दोनों काम जब तक नहीं करेंगे तब तक आप एक उम्मीदवार की तरह पास नहीं कर पाएंगे। इस परीक्षा के लिए कम से कम 2 साल का समय सबसे पहले जरूरी है। 1 साल में सब कुछ पढ़िए, कुछ समझिए। इस दौरान किसी तरह की कोई टेंशन ना लीजिए। दूसरे साल में जो पढ़ा है उसे प्रेजेंट करना सीखिए। इसके लिए जितना अधिक हो सके टेस्ट दीजिए। याद रखिए, आप जितना अधिक टेस्ट देंगे आपको उतने ही सवालों को सामना करने की आदत जो है बनती जाएगी, उतने ही आप एग्जाम के प्रति आप सहज होते जाएंगे। इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को हल करने से आपको यह भी पता चलता है कि एग्ज़ाम में सवाल किस तरह से पूछे जाते हैं, और हो सकता है वहाँ आपको कुछ सवाल ऐसे भी मिल जाए जो आपने पहले से पढ़ रखे होंगे। एक और बड़ी गलती जो एक्सपीरियंस करते हैं वो है पूर्ण समर्पण की कमी। यह परीक्षा ऐसी नहीं है जिसमें कि आप दुनियादारी के साथ साथ तैयारी कर सकते हो। इस परीक्षा के लिए आपको दुनिया से पूरी तरह अलग होना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि जब आप तैयारी कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपके लड़की के चाचा की शादी है, किससे हो रही है, आपके दोस्त का चक्कर किसके साथ चल रहा है। यूपीएससी कंप्लीट डेडिकेशन मांगती है, और कंप्लीट डेडिकेशन का मतलब कंप्लीट डेडिकेशन होता है। इसमें किसी तरह की कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है। तैयारी के दौरान आपके दिमाग में सिर्फ आपकी तैयारी से संबंधित बातें ही घूमनी चाहिए। जब आप दिन भर पढ़ाई करते हो तब आपके मन में सिर्फ पढ़ाई की बातें रहनी चाहिए। जब आप सोने जा रहे हो तब आपका दिमाग उसे रिवाइज कर रहा हो। जब आप इस लेवल के समर्पण पर पहुंच जाते हैं तभी आप यूपीएससी के एक्सपीरियंस की लाइन में आगे निकल सकते हैं। तीसरी बड़ी गलती जो आप करते हैं दोस्तों, जब आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको उस लेवल तक जाना चाहिए जहां आपके जीवन में सिर्फ तैयारी की ही बात हो। यह बहुत जरूरी हो जाता है। आप उन लोगों के साथ उठना बैठना रखें जो प्रिपरेशन में आपको सहायक बन सके। कहने का मतलब यह है कि ऐसे दोस्तों से दूर रहिए जो आपको प्रॉब्लम में करते हैं, आपकी सिचुएशन को ना समझ सिर्फ ना समझते हो बल्कि खुद भी उस सिचुएशन में हो जहां उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी ही हो। दोस्तों, यह कहावत तो आपने सुनी होगी, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात है। यह कहावत यूपीएससी की तैयारी पर 100% फिट बैठती है। यदि आप किसी ऐसे मंडली में बैठ रहे हो जो यूपीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप उनके साथ कोई डिस्कशन नहीं कर सकेंगे। जब आप डिस्कशन नहीं करेंगे तो वो बात आपके दिमाग से धीरे धीरे डाइल्यूट होती चली जाएगी, और मज़े की बात यह है कि आपका दिमाग भी यही चाहता है कि आप इन बातों को निकाल कर उसमें कुछ गॉसिप भरे। इसलिए आपके दिमाग को ट्रेन कीजिए कि तुम अपने अंदर गॉसिप नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन भरनी है। शुरुआत में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको और आपके दिमाग दोनों की आदत बनती जाएगी। यानी दोस्तों, उम्मीद है कि आने वाले आपने यह समझ लिया होगा कि यूपीएससी की तैयारी के लिए दौरान कौन कौन सी बातों को इम्पोर्टेंट है, गलतियां जो आप नहीं अक्सर करते हैं उससे बचना है, और कर सकते हैं तो आपको फुल डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा। आप अपनी तैयारी में उन बातों को ध्यान रखेंगे तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।